हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 का अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज सेमीकंडक्टर्स। एज फॉर बोर्ड पर्सपेक्टिव, सेमीकंडक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और अगर हम बात करें जेडब्ल्यू की, तो ये टॉपिक आईआईटी जेडब्ल्यू मेन और नीट में अक्सर पूछे जाने वाला टॉपिक्स में से एक है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर, जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, तो मैं इसे डिफाइन कर सकता हूं, सेमी का मतलब अर्ध आधा, कंडक्टर का मतलब जो कंडक्ट कर सके। अब क्या कंडक्ट कर सके, हम यहां पर बात करते हैं किसकी, करंट की, ठीक है। हमने पहले ही पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, हमने मेटेरियल्स को डिफाइन किया था कैसे, एज कंडक्टर्स इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। वहां पर हमने इन्हें कैसे डिफाइन किया था, विद रिस्पेक्ट टू देयर रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी के अकॉर्डिंगली हमने इन्हें डिफाइन किया था कि कौन मेटीरियल कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा या सेमीकंडक्टर होगा। अब जो कंडक्टर है, कोई भी मटेरियल होगा, अगर वो कंडक्टर है तो कंडक्टर ही रहेगा, वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। अगर कोई मटेरियल इंसुलेटर है तो वो प्रॉपर इंसुलेटर ही रहेगा, बराबर। बट अगर कोई मटेरियल सेमीकंडक्टर है तो उसकी कंडक्टिविटी में रिड्यूस या इंक्रीज कर सकता हूं, उसकी कंडक्टिविटी में या तो कम कर सकता हूं या ज्यादा कर सकता हूं कुछ प्रोसेसेस को यूज करके, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स का मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में बहुत ज्यादा यूज है, वो इसी प्रॉपर्टी के कारण है, इसकी कंडक्टिविटी के कारण, बराबर है। अब सब लोगों ने पुराने कंप्यूटर तो देखे होंगे, एक रूम जितना बड़ा कंप्यूटर होता था, ठीक है, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क ड्राइव्स लगी होती थी। अगर मैं बोलूं कि 5 MB की ड्राइव भी लगभग विड्थ में इसके डबल होगी, तो क्या आप अभी विश्वास कर पाओगे, नहीं ना। लेकिन ये सब संभव क्यों हुआ, सेमीकंडक्टर्स की वजह से। सेमीकंडक्टर और मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से क्या हुआ, वो जो 5 MB की जो डिस्क थी, इतना ज्यादा स्पेस घेरती थी, आज एक लगभग इतनी सी चिप आती है जिसमें आप GBs में डेटा स्टोर कर सकते हैं, GBs में डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस हो गई। जितने भी आपके मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, एग्जांपल आपका टीवी का रिमोट हो गया, आपको मोबाइल हो गया, सब किस पे वर्क करते हैं, सेमीकंडक्टर्स के जो प्रिंसिपल है, सेमीकंडक्टर सर्किट्स पे आपके सब वर्क करते हैं। होता क्या है कि अगर आपका टीवी का ये रिमोट है आपके पास, ठीक है, मान लेते हैं टीवी का रिमोट है, इधर आपके पास ये LED लगी हुई है, इसमें वाईफाई सिग्नल्स डालते हैं, इसमें ये बटन्स है, ठीक है, ये बटन्स है। अब इसके अंदर, इस रिमोट के अंदर अगर आपने कभी खोल के देखा हो, तो एक ऐसा पैनल होता है ग्रीन पैनल होता है जिसके ऊपर वायरिंग्स सर्किट्स, बहुत सारे सर्किट्स बने हुए होते हैं। तो जैसे ही आप यहां से एक बटन दबाते हैं, तो इन सर्किट्स में से वो स्पेसिफिक सर्किट ऑन हो जाता है जिसके फंक्शन के लिए आपने बटन चूज किया है, और बाकी सर्किट्स क्या रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं। तो जैसे मान लिया जाए कि आपने चैनल नंबर 1 का बटन दबाया, तो चैनल नंबर 1 वाला आपके पास सर्किट है वो चालू हो गया, और यहां से सिग्नल मिला आपके डिवाइस को, और उसने आपको चैनल नंबर 1 शो कर दिया वहां पे, ठीक है। तो ऐसी प्रोसेसेस होती हैं ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, वाईफाई जो भी डिवाइसेस हैं आपकी, मोबाइल फोन रिमोट एक्सेट्रा, तो वहां पर सब चीजें ऐसी होती हैं। तो इंट्रोडक्शन के बाद सेमीकंडक्टर के, लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। तो जो हमारा पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है एनर्जी बैंड थ्योरी। जो एनर्जी बैंड थ्योरी है, इसे रिलेट करते हैं हम मॉडर्न फिजिक्स से। जब हमने क्या पढ़ा था, हमने एटम्स पढ़े थे, एटम्स के बारे में चर्चा की थी, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है। तो मैं कोई भी अगर एटम लूं तो अगर ये उसका न्यूक्लियस है, ये मान लेते हैं इसका क्या है, इनर्शियल है, और ये है इसका आउटर मोस्ट शेल,
आउटर मोस्ट शेल, और ये क्या है इनर मोस्ट शेल। ठीक है, तो जो भी ये शेल्स हैं इनमें क्या होंगे भाई, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। अब हर एक शेल की हमने क्या पढ़ा था मॉडर्न फिजिक्स में, हर एक शेल के लिए एक स्पेसिफिक एनर्जी डिफाइंड है, एक स्पेसिफिक एनर्जी डिफाइंड है, जिसे हम कैसे लेते हैं, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए क्या फॉर्मूला दिया गया था, -13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हर एक एनर्जी लेवल के लिए, हर एक एनर्जी लेवल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं सॉरी एन है आपके पास शेल, कौन से शेल की बात कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो हर एक शेल के लिए आप यहां से क्या डिफाइन करते हैं, एनर्जी डिफाइन करते हैं। अब बात कर रहा हूं मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन की, ये क्या है आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड एटम जो आउटर मोस्ट शेल में है, अगर मैंने इसे एनर्जी प्रोवाइड कर दी कुछ भी, तो ये क्या कर देगा, इस शेल को छोड़ के नेक्स्ट शेल में मूव कर जाएगा अगर होगी इसके पास, नहीं तो हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। और अगर मैंने इससे एनर्जी ले ली, मान लो कि यहां पर एनर्जी कितनी थी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, और यहां पर कितनी थी यहां पर कितनी थी 12.58 माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, अगर मैंने इससे कुछ एनर्जी ले ली तो ये कहां जाएगा, मान लो मैंने इसे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी माइनस कर दी तो कितना बचा 11, जोड़ दी इसमें तो कितना बचा 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर बात की जाए तो ऐसी शेल कहीं यहां पे होगी, इसके बहुत नजदीक, तो ये इलेक्ट्रॉन इस शेल में नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट ट्रांसफर होगा कहां 13.6 इलेक्ट्रॉन वाली शेल में ही, ना कि कोई इंटरमीडिएट ऑर्बिटल में जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, ऐसा नहीं है कि वो कोई भी इंटरमीडिएट एनर्जी लेवल में चला गया और वहां पर रोटेट करने लगा, वो अपनी प्राइमरी शेल में ही जाएगा, कोई इंटरमीडिएट शेल में नहीं जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हम सॉलिड लैटिस की, सॉलिड लैटिस की अगर हम बात करें तो क्या होता है भाई, कि अगर मेरे पास ये न्यूक्लियस है, ये इनर मोस्ट शेल है, ये आउटर मोस्ट शेल है, लैटिस में क्या होगा क्रिस्टल, लैटिस का मतलब क्या क्रिस्टल, उसमें क्या होगा बहुत सारे एटम्स क्लोजली पैक हैं, क्लोजली पैक हैं। तो मान लो कि मेरे पास ये दो एटम्स थे, बहुत पास पास थे, तो इनका जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो क्या है नेग्लिजिबल है। तो हमने देखा कि ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या कन्वर्ज कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, हाँ जी कन्वर्ज कर रहे हैं। अब मान लो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो डॉट से मैंने शो किया, ये क्या है इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये किस वाले एटम का, किस एटम का इलेक्ट्रॉन है, ये एटम वन आ गया आपके पास, ये एटम टू आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन किस एटम का है, वन का या टू का, या इसे डिफाइन कर सकते हैं आप ही किस एटम का आपके पास इलेक्ट्रॉन है, नहीं कर सकते। तो जब सॉलिड लैटिस में होते हैं तो क्या हुआ, हर एक जो एनर्जी लेवल है हर एक एटम का, वो दूसरे वाले से क्या हो रहा है इंटरेक्ट कर रहा है, और इस इंटरेक्शन के चक्कर में क्या हो रहा है कि आप पता नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास अब कितनी एनर्जी है। ठीक है, ये कहां, यहां पर अगर मैं सिंगल आइसोलेटेड एटम की बात करूं, यहां तो हर एक एनर्जी लेवल के लिए डिस्क्रीट एनर्जी डिफाइन थी, पर यहां पर आप ऐसा नहीं कर सकते। तो जब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी आपस में, अलग अलग एटम्स की एनर्जी आपस में क्या करने लगी, इंटरेक्ट करने लगी, तो क्या बोला गया कि उस इंटरेक्शन की वजह से जो एनर्जी लेवल्स हैं वो मॉडिफाई हो गए किस में, एनर्जी बैंड में, किस में मॉडिफाई हो गए एनर्जी बैंड में। चलो इसे नोट कर लो, फिर से इसकी थ्योरी है, थ्योरी पार्ट लिख लेते हैं इसका। ठीक है, आई होप यहां तक की बात आपको सारी समझ में आई होगी कि कैसे एनर्जी बैंड ये थ्योरी है ये इवॉल्व हुई, पक्की बात। चलो तो लिखना स्टार्ट करते हैं, पहली लाइन लिखें, पहला स्टेटमेंट लिखें कि इन अ इन एन आइसोलेटेड फ्री एटम, इन एन आइसोलेटेड फ्री एटम, आइसोलेटेड फ्री एटम में क्या होता है भाई, देर आर वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल, देर आर वेल डिफाइंड
एनर्जी लेवल्स, उनमें सब में क्या होता था, वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स है, ठीक है। बट इन अ क्रिस्टल, क्रिस्टल की बात करें, बट इन अ क्रिस्टल लैटिस, अभी हमने देखा क्रिस्टल लैटिस में क्या हुआ, ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ नेबरिंग एटम्स, ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ नेबरिंग एटम्स, एनर्जी लेवल्स गेट, एनर्जी लेवल गेट्स मॉडिफाइड टू, गेट्स मॉडिफाइड टू, किसमें मॉडिफाइड हो गए भाई, एनर्जी बैंड्स में, एनर्जी बैंड्स में, ठीक है। तो ये आपकी थोड़ी सी चर्चा हो गई कि एनर्जी बैंड और एनर्जी लेवल में क्या डिफरेंस है, पक्की बात। अब अगर हम यहां पर एक एलिमेंट का एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल मैं पीरियोडिक टेबल से उठाता हूं यहां पर सोडियम, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं किसका भी, सोडियम का, सोडियम एटॉमिक नंबर क्या है भाई, सोडियम का एन का एटॉमिक नंबर क्या है, 11, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 and 3s1, 2 2 4 6 4 10 और 11, जी तो ये इसकी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो अब अगर मैं इसके आइसोलेटेड एटम की बात करूं, आइसोलेटेड एटम की बात करूं, उसमें अगर मैं इसके एनर्जी लेवल्स को शो करूं, जैसे कि हमने कहां पे किया था, मॉडर्न फिजिक्स में, तो सबसे पहले ये आ गई आपकी ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट यानी कि 1s, देन ये आ गई आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सा ऑर्बिटल, 2s, देन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट यानी के 2p, और देन थर्ड एक्साइटेड स्टेट यानी के 3s। तो ये एनर्जीज आ गई। अब अगर हम बात करें ये एनर्जी लेवल्स की, ऐसी भी नहीं होती, ये हो गई सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, जो विड्थ है, जो डिस्टेंस है इनके बीच का, वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ बढ़ता हूं। तो ये आ गई आपकी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ये क्या था, 2s था, ये क्या था, 2p था। तो यहां पर जितनी एनर्जी होती थी वो कितनी थी भाई, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इधर कितनी थी, 12.58। तो ऐसे ऐसे ये क्या हो रहा था, चेंज होता जा रहा था, बराबर है। ये क्या असर था, आइसोलेटेड एटम्स के लिए मैंने क्या लिखे, एनर्जी लेवल्स लिखे। लेकिन अगर मैं सोडियम के लैटिस स्ट्रक्चर की बात करूं, सोडियम का अगर मैं लैटिस स्ट्रक्चर में बनाना चाहूं कि सोडियम क्रिस्टल कैसा दिख रहा होगा, तो देखिए उसे कैसे बनाया जाएगा, कि 1s तो इधर ही आया, दिस इज योर 1s, देन जो बैंड है वो ये आया आपके पास 2s, इधर 2s कंप्लीटली फिल था, जी हाँ कंप्लीटली फिल था, दो इलेक्ट्रॉन्स थे इसके पास, तो ये कंप्लीटली फिल्ड है, बराबर। इसके बाद आया आपके पास इधर 2p, तो अगर मैं 2p यहां पे ड्रॉ करूं तो ये आ गया क्या आपके पास 2p, क्या 2p कंप्लीटली फिल्ड था, जी 6 इलेक्ट्रॉन्स थे इसके पास, तो ये भी कंप्लीटली फिल्ड था। यहां पर 2p के बाद क्या आया भाई आपके पास, 3s आया, 3s, 3s कैसा फिल्ड है, s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, इसके पास कितना है, 1, तो इसे मैं बोलूंगा हाफ फिल्ड या पार्शियली फिल्ड। तो ये ऑर्बिटल कितना फिल्ड है, आधा फिल्ड है, और इसके बाद 3s के बाद क्या आएगा ऊपर, 3p आएगा, बराबर। चलिए तो ये क्या हो गया, इसका बेंड्स बैंड डायग्राम बन गया, किसके लिए, सोडियम के लिए, ठीक है। अब ये जो मेरे पास बैंड आया, इसे मैं बोलता हूं क्या, वैलेंस बैंड, और वैलेंस बैंड के ऊपर जो पहला बैंड आता है
वैलेंस बैंड के ऊपर जो पहला बैंड आता है, जहां पर जो अनफिल्ड होता है, उसे क्या बोला जाता है? कंडक्शन बैंड। उसे क्या बोला जाता है? कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड को मैंने शो किया किससे? वीबी से। और कंडक्शन बैंड को किससे शो किया? सीबी से। और ये जो डिस्टेंस होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का, इसे मैं डिनोट करता हूं किससे? डेल्टा ईजी से। और ये क्या होगा? डेल्टा ईजी क्या है? एनर्जी गैप। इसे क्या बोलते हैं? एनर्जी गैप बोलते हैं। पक्की बात है? ठीक है, नोट कर लो बच्चों इसे। इसी में एक चीज और आती है कि जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में फिल है, जो उसका हाईएस्ट एनर्जी लेवल है, उसे क्या बोलते हैं? फर्मी एनर्जी लेवल, FEL। FEL बोले तो फर्मी एनर्जी लेवल। ठीक है, अब अगर मैं 2p बैंड की बात करूं तो ये इसकी लोअर एक्साइटेड स्टेट है 2p बैंड की, और ये हायर एक्साइटेड स्टेट है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, नोट कर लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, कर लिया नोट। चलिए अब ये जो हमने चीजें बोली, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और फर्मी लेवल, इन्हें डिफाइन कर देते हैं, इनके डेफिनेशंस लिख लेते हैं। तो हेडिंग डालिए वैलेंस बैंड एंड फर्मी एनर्जी लेवल, वैलेंस बैंड एंड फर्मी एनर्जी लेवल। ठीक है, अगर मैं किसी भी भाई एक एटम की बात करूं, तो जो एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा उसे हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और उस आउटर मोस्ट शेल को जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है उसे क्या बोला जाता है? उसे वैलेंस शेल बोला जाता है। पक्की बात। अब अगर मैं सॉलिड लैटिस की बात करूं, तो वो टॉप मोस्ट बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, टॉप मोस्ट बैंड इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। पक्की बात। तो लिखें इसे, आउटर मोस्ट शेल इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एन एटम, इन एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस शेल। तो आपको दो चीजों में यहां पर डिफ्रेंसिएशन हो गया कि वैलेंस शेल क्या होती है और वैलेंस बैंड क्या होता है। साथ में कर लिया हमने वैलेंस शेल एंड इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल आर कॉल्ड, क्या बोला जाता है भाई ने? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये किसकी बात होगी? एक एटम की बात होगी। अब एक लैटिस की बात कर लेते हैं। तो इन अ सॉलिड लैटिस, एक सॉलिड क्रिस्टल में टॉप मोस्ट बैंड इन विच जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, जिसके अंदर क्या हो? इलेक्ट्रॉन्स हो, उसे क्या बोलेंगे? इस कॉल्ड वैलेंस बैंड, उसे वैलेंस बैंड बोलते हैं। पक्की बात। अभी हमने डायग्राम में भी देखा कि वैलेंस बैंड कौन सा था। ठीक है, अब यहीं पे हम डिफाइन कर लेते हैं किसे? फर्मी एनर्जी लेवल को भी हम यहीं पे डिफाइन कर लेते हैं कि फर्मी एनर्जी लेवल क्या है भाई। तो फर्मी एनर्जी लेवल क्या था? द टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल किसी भी इलेक्ट्रॉन का, टॉपमोस्ट एनर्जी लेवल विच इज फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी लेवल को FEL से डिनोट कर दिया मैंने यहां पे शॉर्ट में, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी लेवल।
याद रखने वाली बात यह है, एक बार जेडब्ल्यू मेन में भी पूछा जा चुका है कि फर्मी एनर्जी लेवल इज डिफाइंड एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ओनली, इट इज डिफाइंड ओनली एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्यों एब्सोल्यूट जीरो पे ही क्यों डिफाइन किया गया? क्योंकि अगर टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो से ज्यादा हुआ तो जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में थर्मली एजिटेट होके, थर्मली एक्साइट होकर कहां से कहां मूव कर जाएंगे? वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएंगे। तो दैट्स व्हाई जो फर्मी एनर्जी लेवल है उसे हम कहां पे नोट करते हैं? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे नोट करते हैं। याद रखने वाली बात है, इसे अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा, इसका जो रीजन है वो भी लिख लीजिए। बिकॉज अबव जीरो केल्विन टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड गेट्स थर्मली एक्साइटेड एंड मूव टू कंडक्शन बैंड। तो ये इसका रीजन है, इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रहनी चाहिए आप लोगों को, पक्की बात है, नोट करिए। ओके, कर लिया। अब हमारे पास बचा क्या? कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड क्या है भाई? कंडक्शन बैंड इज द लोवेस्ट अनफिल्ड बैंड प्रेजेंट जस्ट अबव वैलेंस बैंड, वो बैंड जो सबसे नीचे है और क्या है? अनफिल्ड है, और किसके ऊपर है? वैलेंस बैंड के ऊपर है, उसे क्या बोला जाता है? कंडक्शन बैंड। सो द लोवेस्ट अनफिल्ड एनर्जी बैंड जस्ट अबव वैलेंस बैंड इज कॉल्ड, क्या बोला गया इसे? इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। ठीक है, याद रहना चाहिए ये, पक्की बात। चलिए कर लीजिए नोट। अब ये जो हमने बैंड थ्योरी पढ़ी, बैंड थ्योरी के आधार पर अब हम यहां पर मटेरियल्स को डिफाइन करेंगे कि कौन कंडक्टर है, कौन इंसुलेटर है और कौन सेमीकंडक्टर है, पक्की बात। चलिए तो हम बात करते हैं किसका, हम डिफाइन करते हैं किसे? मेटल्स को या कंडक्टर्स को हम डिफाइन करते हैं। मेटल्स जनरली क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो अगर बैंड स्ट्रक्चर के आधार पर, बैंड डायग्राम के आधार पर अगर इसे डिफाइन किया जाए तो कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं भाई? मेटल्स या कंडक्टर्स में क्या होता है? वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप्स, इनकी ओवरलैपिंग होती है, यानी कि जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है ये क्या शेयर करते हैं आपस में? इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। अब अगर कंडक्शन बैंड में आपके पास इलेक्ट्रॉन है और आपने मटेरियल में क्या कर दिया? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया मटेरियल के अक्रॉस, तो क्या होगा? वहां से करंट फ्लो होगा। तो ये कंडक्शन बैंड के ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो क्या पॉसिबल करा पाते हैं कि कोई मटेरियल आपके पास करंट कंडक्ट करा रहा है या नहीं करा रहा है। उसकी क्षमता किस पर डिपेंड करती है? उन इलेक्ट्रॉन्स पर जो कंडक्शन बैंड में होते हैं। तो मेटल्स आर द सब्सटेंसेस या कंडक्टर्स आर द सब्सटेंसेस इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन कंडक्शन बैंड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन कंडक्शन बैंड। इसी चीज को दूसरे तरीके से ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं यहां पर, अगर ये मेरे पास क्या है भाई? कंडक्शन बैंड है। क्या ये मेरे पास कंडक्शन बैंड था? और अगर मुझे इसकी अब ओवरलैपिंग शो करनी है, इसकी ओवरलैपिंग शो करनी है किसके साथ? वैलेंस बैंड के साथ। ये मेरे पास यहां पे क्या आ गया? वैलेंस बैंड आ गया भाई। तो ये जो रीजन हुआ, क्या ये ओवरलैपिंग रीजन हुआ? जी, ये ओवरलैपिंग रीजन हुआ। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो डेल्टा ईजी एनर्जी गैप कितना है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में? जीरो है। क्यों? क्योंकि दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। तो
मेटल्स के लिए, कंडक्टर्स के लिए डेल्टा ईजी की वैल्यू हमने डिफाइन कर दी कितनी होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो ये हमने बैंड थ्योरी के आधार पर क्या डिफाइन कर दिया, कंडक्टर्स को डिफाइन कर दिया, पक्की बात है। चलिए अब बात करते हैं किसकी बच्चों, बात करते हैं इंसुलेटर्स की। अच्छा, इंसुलेटर पर चलने से पहले एक चीज हो, यहां पर जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल होगा कंडक्शन बैंड का वो फर्मी एनर्जी लेवल से ऊपर लाई करेगा या नीचे लाई करेगा, बताओ जरा। तो ये हमेशा फर्मी एनर्जी लेवल से नीचे लाई करेगा, लाई बिलो द फर्मी एनर्जी लेवल, ये चीज भी आपको याद रखनी है। फर्मी एनर्जी लेवल से ये नीचे होगा तभी आपके पास ये क्या बोला जाएगा कि कंडक्टर है या नहीं है, पक्की बात। दूसरी चीज जो हमें डिफाइन करनी है वो क्या है भाई, इंसुलेटर्स। अब इंसुलेटर्स क्या थे भाई साहब, इंसुलेटर में क्या होगा, इंसुलेटर क्या करंट कंडक्ट करा पाते हैं, नहीं करा पाते। क्यों नहीं करा पाते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कहां नहीं पहुंच पाते, कंडक्शन बैंड में। और अगर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से नहीं पहुंच पा रहे कहां पर, कंडक्शन बैंड में, तो यानी कि दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो क्या है, बहुत अधिक है, बहुत ज्यादा है। तो अगर ये वैलेंस बैंड था और ये कंडक्शन बैंड था, ठीक है, तो ये जो एनर्जी गैप आया डेल्टा ई जी, ये बहुत ज्यादा है। और कितना ज्यादा है, अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो जो मटेरियल डिफाइन होगा वो क्या होगा, वो क्या डिफाइन करेंगे उसे, हम कैसे डिफाइन करेंगे उसे, क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। और इतना ज्यादा अगर एनर्जी गैप आ गया तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से काम वो नहीं कर पाएगा, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, और कंडक्शन बैंड में नहीं है इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने डिस्कस किया था। अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होगा तभी मटेरियल करंट कंडक्ट करा सकता है, अन्यथा वो कोई भी करंट कंडक्ट नहीं कराएगा, पक्की बात है। डायग्राम ड्रॉ कर लो, लिख आप इसमें खुद ही सकते हो, पक्की बात। एक चीज और भी लिख सकते हो यहां से, आपकी यहां पर कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की, उनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, ओके, नोट कर लो इसे। नेक्स्ट चीज है हमारे पास वो है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या होंगे भाई, बोला था कि इनकी कंडक्टिविटी क्या है, इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के इन बिटवीन है। तो अगर यहां पर इनका कंडक्शन बैंड हुआ, अगर इसके लिए कंडक्शन बैंड यहां हुआ, तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में दूरी क्या होगी, बहुत कम होगी, दिस इज द वैलेंस बैंड, ठीक है। और जो एनर्जी गैप की बात की जाए तो डेल्टा ई जी इनके लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर कम है तो हम मटेरियल को कैसे डिफाइन करेंगे, एज सेमीकंडक्टर, किसी कैटेगरी में आ जाएगा, सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आ जाएगा, पक्की बात है। चलिए ये चीज हो गई, इसके एनर्जी बैंड की हमने बात कर ली। अब अगर मैं यहां पर इसे हीट अप करता हूं तो क्या होगा, इसे इसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाएंगे, और एक्साइट होकर कहां जा सकते हैं वो, कंडक्शन बैंड में। तो अगर इसे हीट कर दिया जाए तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहां तक चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। और अगर मैं कंडक्शन बैंड के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं लगा दूं तो क्या डेवलप हो जाएगा, मटेरियल में करंट डेवलप हो जाएगा, पक्की बात। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए सेमीकंडक्टर के लिए। अब सेमीकंडक्टर्स की अगर बात करें तो आपने ग्रुप 4 एलिमेंट्स पढ़े होंगे, ग्रुप 4 एलिमेंट्स पढ़े हैं ना, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम पढ़े हैं ना, ये एलिमेंट्स आप लोगों ने, ठीक है, इसी में आता है टिन भी, इसी में आता है SB10। कार्बन के 2 एलोट्रोप आपने पढ़े हैं, ग्रेफाइट और डायमंड, ठीक है। ग्रेफाइट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकता है, बट डायमंड क्या है, इंसुलेटर है। सिलिकन और जर्मेनियम ये दोनों हम कैसे यूज करते हैं, एज ए सेमीकंडक्टर। और जो ये टिन है SB, ये क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है।
तो ग्रुप फोर में अगर मैं ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा हूं तो क्या कंडक्टिविटी क्या हो रही है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। और अगर मैं इन दोनों की बात करूं, सिलिकन एंड जर्मेनियम, ठीक है, तो ये दोनों कैसे यूज होते हैं, एज सेमीकंडक्टर्स इन्हें यूज किया जाता है, एज सेमीकंडक्टर्स। तो जो सिलिकन के लिए डेल्टा ईजी की वैल्यू है वो कितनी है भाई, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जर्मेनियम के लिए डेल्टा ईजी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। पक्की बात, ये कुछ चीजें हैं जो बहुत ही बेसिक है इसमें, ठीक है, आया समझ मटेरियल की क्लासिफिकेशन बेंड थ्योरी के आधार पर। चलिए नोट कर लीजिए इसे। ओके, नेक्स्ट चीज जो हमें करनी है वो है कंसेप्ट ऑफ होल्स, कंसेप्ट ऑफ होल्स। अब हुआ क्या, कंसेप्ट ऑफ होल्स, होल्स का मतलब वैकेंसी से है, ठीक है। तो देखो मैं वही एग्जांपल ले लेते हैं, किसका, सोडियम का ही एग्जांपल ले रहे थे, 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ये कॉन्फ़िगरेशन थी इसकी। अब मैं जो इसके वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, सिर्फ उसकी बात करता हूं, तो वैलेंस कंडक्शन बैंड क्या है भाई, इसका कंडक्शन बैंड है इसका 3p, इसका कंडक्शन बैंड हुआ, इसके बाद क्या आएगा, 3s के बाद क्या आएगा, 3p आएगा, तो 3p इसका क्या हुआ भाई, कंडक्शन बैंड, ये हुआ इसके लिए कंडक्शन बैंड। और कंडक्शन बैंड की जो नीचे वाला बैंड है वो क्या हुआ, वैलेंस बैंड हुआ इसके लिए, क्या हुआ भाई, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड क्या है इसके लिए, 3s, जो कि हमारे पास पार्शियली फिल्ड है, जो कि हमारे पास पार्शियली फिल्ड है, क्या है, वैलेंस बैंड, ठीक है। अब अगर मैं इसे हीट सप्लाई करूं, या अभी हमने लिखा था कि फर्मी एनर्जी लेवल से अगर ऊपर एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाएंगे और वो वैलेंस बैंड से कहां तक जाएंगे, वैलेंस बैंड से मूव कर जाएंगे कहां पर, कंडक्शन बैंड में। तो मान लो कि वैलेंस बैंड में मेरे पास ये 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स थर्मली एक्साइट होकर कहां पे मूव ऑन कर गए, कंडक्शन बैंड में ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए। पक्की बात, तो जब कंडक्शन बैंड में चले गए तो इलेक्ट्रॉन्स तो यहां पे आ गए, e माइनस e माइनस e माइनस और e माइनस। इधर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई तो इधर जो चार्ज आया वो पॉजिटिव आया, तो e प्लस e प्लस e प्लस और e प्लस। तो ये जो चीज क्रिएट हो गई यहां पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे क्या बोला गया, इसे बोला गया होल्स, इन्हें होल्स बोला गया, ठीक है। तो कैसे क्रिएट हुए, ये चीज आपको समझ में आ गई कि एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू थर्मल एजिटेशन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, लीविंग बिहाइंड वैकेंसीज और वैकेंट स्पेस इन द वैलेंस बैंड विच क्रिएटिंग होल्स। तो इसे लिख लीजिए, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड एक्साइट्स एंड मूव ऑन टू कंडक्शन बैंड में वो मूव हो गए, लीविंग बिहाइंड पॉजिटिवली चार्ज्ड वैकेंट स्पेस इन वैलेंस बैंड कॉल्ड होल्स। ने क्या बोला गया, होल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां पे है, कंडक्शन बैंड में, और होल्स कहां पे है, वैलेंस बैंड में।
ये दोनों चीजें कौन कहां पे प्रेजेंट है ये आपको दिमाग में फीड रहनी चाहिए, दिमाग से गायब नहीं होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करते हैं, करंट कैरी करते हैं, और होल्स भी क्या कैरी करते हैं, करंट कैरी करते हैं। तो दोनों को क्या बोला गया, दोनों को क्या बोला गया, चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर या करंट कैरियर। इलेक्ट्रॉन ऑफ कंडक्शन बैंड प्लस होल्स ऑफ वैलेंस बैंड, दोनों चीज क्या है ये, क्या है ये, चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स, ये दोनों चार्ज कैरी करते हैं। ठीक है, अब जो होल्स है, होल्स के बारे में थोड़ी सी चीज और लिख लेनी चाहिए या बोल देनी चाहिए। क्या है वो चीज, कि होल्स कैसे हैं, पॉजिटिवली चार्ज, वैकेंसी है कहां पर, वैलेंस बैंड में। ये नोट कर लो, उसके बाद होल्स के तीन चार पॉइंट हम लिख लेते हैं यहां पे, कर लिया नोट। चलिए, तो होल्स कैसे बनेंगे देखिए आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं होल के बारे में। तो पहला पॉइंट क्या है, होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड वैकेंट स्पेस इन कौन से बैंड में, भी वैलेंस बैंड में। ठीक है, दूसरी बात, एक्ट एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर, क्या कैसे कैरियर भैया, पॉजिटिव चार्ज को कैरी करने वाला कैरियर है। तीसरी बात, जो इनका इफेक्टिव मास है, इफेक्टिव मास है ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन है, इफेक्टिव मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा है। और फोर्थ बात क्या है, मोबिलिटी, मोबिलिटी इज लेस देन इलेक्ट्रॉन, इनकी जो मोबिलिटी है वो इलेक्ट्रॉन से कम है। तो ये चार्ज की प्रॉपर्टी हो गई, ये चार प्रॉपर्टी आपको याद रह जानी चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे तो एडवांस बात है लेकिन अगर आप पढ़ लेंगे यहां पर तो कोई भी बुरी बात नहीं होगी। चीज है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं टी टेम्परेचर पे, उसका फॉर्मूला है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एट टेम्परेचर टी केल्विन, एट टेम्परेचर टी केल्विन कैसे निकाला जाएगा, इसे डिनोट किया मैंने एन से, और एन इज ए इंटू टी रेस्ट पावर 3/2 ई रेस्ट पावर माइनस डेल्टा ई जी बाई 2 kT। ये आपके पास फॉर्मूला है, यहां पर जो ए है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, टी टेम्परेचर किसमें, केल्विन स्केल में, डेल्टा ई जी एनर्जी गैप है, और के के क्या है, बोल्ट्समैन्स कांस्टेंट। वैल्यू कितनी होती है भाई के की, 1.38 × 10^23 जूल पर केल्विन। ठीक है, नोट कर लो इस चीज को। कर लिया नोट, चलो अब इसी कंसेप्ट को, होल्स वाले कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। होल्स वाले कंसेप्ट को अब आगे बढ़ाया जाए तो मेरे पास, मान लो आपके पास एक कंडक्शन बैंड था, यहां पर कंडक्शन बैंड, और ये आपके पास वैलेंस बैंड था, पार्शियली फिल कर देते हैं भाई जो चलता आ रहा है अपने पास शुरू से। ठीक है, अगर मैं कंडक्शन और एट रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, एट रूम टेम्परेचर की बात की जाए
तो जो इलेक्ट्रॉन थे वो तो ये स्पेस छोड़कर कहां चले गए, कंडक्शन बैंड में चले गए, है ना भाई। यहां पे जो स्पेस है वो कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब अगर मैं यहां पर इस मटेरियल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दूं, प्लस या माइनस, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स तो इधर मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, पॉजिटिव एंड की तरफ जाएंगे, और जो ये होल्स है वो किधर मूव करेंगे, होल्स इधर मूव करेंगे, पक्की बात। तो करंट किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा या होल्स की वजह से होगा, करंट किसकी वजह से हुआ, करंट किसकी वजह से होगा, तो जो आंसर है इसका वह है बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन, दोनों की वजह से यहां पर करंट होगा, पक्की बात। तो पॉसिबिलिटी ऑफ कंडक्शन किसकी वजह से हुई, बोथ होल एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं, मैंने बोला ही था कि विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर बढ़ा तो क्या होगा, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे कहां से, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ, इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्साइटेड, मोर इलेक्ट्रॉन्स गेट्स एक्साइटेड एंड मूव्स टू कंडक्शन बैंड, कहां से, फ्रॉम वैलेंस बैंड, हेंस कंडक्टिविटी क्या हुई, कंडक्टिविटी इंप्रूव, कंडक्टिविटी यहां पर क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, पक्की बात है, ठीक है। अब जो आपके पास क्रिस्टल है, एक्चुअल में क्या होगा, एटम है, एटम कैसा होता है, मेरे पास एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, पक्की बात है, और क्रिस्टल है, क्रिस्टल में क्या हुआ, वही एटम्स अरेंज्ड है, वही एटम्स अरेंज्ड है, तो क्रिस्टल भी क्या हुआ, क्रिस्टल भी क्या हुआ, वो भी न्यूट्रल हुआ। सो एज क्रिस्टल इज न्यूट्रल, अगर क्रिस्टल न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स, तो जनरली क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ होल्स के, पक्की बात। चलिए ये चीज नोट कर लीजिए, कर लिया, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो क्या है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स के टाइप कौन कौन से हैं, उसके बारे में चर्चा करने वाले, पक्की बात। चलो पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के भाई मेरे पास दो टाइप्स हैं, कौन कौन से, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ये होते हैं आपके पास प्योर सेमीकंडक्टर, प्योरली जो पाए जाते हैं नेचर में, एग्जांपल इसका आ गया सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा, ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ये होते हैं डॉप्ड सेमीकंडक्टर, ठीक है। डॉपिंग, डॉपिंग का मतलब समझते हो कि इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मैंने कोई और एलिमेंट ऐड कर दिया जो इसके जो प्रॉपर्टीज है उसे एनहांस कर रहा था, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डॉपिंग, और जो डॉपिंग करके मेरे पास सेमीकंडक्टर्स बने उन्हें क्या बोला जाएगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो पहली हेडिंग डालेंगे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स तो एक कैसे सेमीकंडक्टर्स है, प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं, प्योर सेमीकंडक्टर्स हैविंग लो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इनकी कम ही होती है, पक्की बात। एग्जांपल आ गया इसका सिलिकॉन, जर्मेनियम, पक्की। तो अगर मैं इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना के देखूं भाई, आपके पास अगर मैं इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाऊं तो एक दो तीन,
तो ऐसा इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। ग्रुप फोर के एलिमेंट्स का पता है ना, सिलिकन, जर्मेनियम, कार्बन, कितने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास भाई, बताइए सबको, कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है इन्हें, चार की, ठीक है, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए चार और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो अगर ये सिलिकन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है तो ये क्या करेगा, अपने नेबरिंग जो एटम्स है उनके साथ क्या करेगा, शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन्स की, ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और ये कैसा हो जाए, स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो यहां पर अगर देखो सिलिकन की बात करते हैं, सिलिकन 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 सिलिकन, ये भी ठीक है। अगर मैं इस वाले एटम की बात करूं तो इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से थे, एक, ये दो, तीन और चार। अब इसने अपने आसपास वालों से एक इलेक्ट्रॉन ये लिया, एक ये लिया, एक ये लिया और एक ये लिया, तो इसकी ऑक्टेट क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब इसकी अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो गई तो क्या हो गया, स्टेबल हो गया, पक्की बात। अब अगर मैं इसे हीट सप्लाई करता हूं, मैंने इसे क्या सप्लाई की, यहां से हीट सप्लाई की, तो हीट अगर मैं इसे सप्लाई करता हूं रूम टेम्परेचर पे, तो ये जो सब है ये कहां पे चल रहा था, ये सब कहानी चल रही थी कहां पे, वैलेंस बैंड में, और इसके ऊपर जो बैंड है वो कौन सा बैंड है, ऊपर की तरफ, यहां पे कंडक्शन बैंड। अगर मैंने हीट सप्लाई की तो क्या होगा भाई, जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड से कहां पे मूव कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में कहां पे मूव कर जाएगा, कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव वैकेंसी क्रिएट हो गई, वैकेंसी क्रिएट हो गई जिसे हम क्या बोलते हैं, होल, जिसे हम क्या बोलते हैं, होल। तो ये होल क्रिएट हो गया, पक्की बात। अगर मैं अभी इसे फर्दर हीट करूं, इसे अगर मैं फर्दर हीट अप करूं, तो इलेक्ट्रॉन्स इसी एटम से जाएंगे या इसके आसपास वाले एटम से जाएंगे, बताओ क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है इस एटम से ना जाते हुए कंडक्शन बैंड में इसके आसपास वाले एटम से जाएंगे, क्यों, क्योंकि अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना इसकी वजह से यहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हो गई, तो इसको यहां से भगाने के लिए इलेक्ट्रॉन को हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बट इसके पास वाले के पास, जो इसका पड़ोसी है उसके पास ऐसा कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं था। अब पॉजिटिव चार्ज नहीं था तो उतनी ही एनर्जी देके मैं इसका इलेक्ट्रॉन्स कहां पे पहुंचा सकता हूं, इसके इलेक्ट्रॉन को कहां पे पहुंचा सकता हूं, कंडक्शन बैंड में, पक्की बात, ठीक है। तो ये चीज याद रहनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अब इंट्रिंसिक अगर सेमीकंडक्टर की बात की जाए तो यहां पर Ne इक्वल्स टू NH है इनिशियली, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही क्या होंगे, होल्स होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स कहां पे जाएंगे, कंडक्शन बैंड में जाएंगे, उतने ही वो होल्स की क्रिएशन करते जाएंगे। अब जो नेट करंट है यहां पे आई नेट, वो किसकी वजह से है, आई इलेक्ट्रॉन प्लस आई होल, ठीक है, जो नेट करंट है वो इन दोनों की वजह से है। अब चीज क्या है यहां पर कि जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन और होल बनने का, ये चलता रहता है, चलता रहता है। अगर ऐसा हुआ कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जाके कंडक्शन बैंड में पहुंच गए तो फिर इस लेटर से कोई फायदा नहीं है, ऐसा तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है ना कि सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां पे जाके बैठ गए, सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर और सारे होल्स इधर, तो फिर तो वो लैटिस पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन आए कंडक्शन बैंड में, ये वापस कहां पे मूव कर जाते हैं, लोअर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं, होल्स को वापस फिल कर देते हैं और उनकी जगह नए इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं कहां पे, कंडक्शन बैंड में। होता यह है कि जरूरी नहीं है कि जिस इलेक्ट्रॉन की वजह से होल का क्रिएशन हुआ हो इलेक्ट्रॉन वापस जाकर अपनी जगह ले ले, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, रैंडमली चल रही है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर से निकला था तो वापस जाके ये इसी एटम के पास जाकर बैठ जाए, ठीक है। तो हमें ये चीज भी याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, नोट कर लिया ये। इसके बाद जो मैंने बोला उसे नोट कर लेते हैं,
ठीक है, तो लिखे इलेक्ट्रॉन एंड होल्स redistributes themselves in the crystal structure, पक्की बात। दूसरा पॉइंट हमने बोला कि इट्स नॉट नेसेसरी दैट इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइंस विद द सेम होल अगेन विच इट क्रिएटेड इन द फर्स्ट प्लेस जो इसने बनाया था। जरूरी नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन वापस जाके वहीं पे बैठ जाए, ठीक है। और एट अ गिवन टेम्परेचर ड्यू टू कंटिन्यूअस regeneration and recombination of electrons and holes, इसकी वजह से क्या हुआ, Ne बराबर NH ही यहां पर रहता है। पक्की बात, ओके, नोट कर लो बच्चों इसे भी। अब अगला टाइप का जो सेमीकंडक्टर है दैट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।